ये टमाटर से क्या कर रही हो? हे गाइस, वेलकम टू चंदा दी रसोई 24 बैंगलोर किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं केरला स्टाइल डोसा वाली रेड चटनी बना रही हूँ। तो इसके लिए प्याज टमाटर ली हूँ, मलाबार मिर्च ली हूँ, लहसुन ली हूँ और सारे को काट देती हूँ। एक बड़ा चम्मच तेल डाल दी हूँ, चटकने देती हूँ इसे। प्याज डाल देती हूँ, नमक डाल देती हूँ और प्याज डाल देती हूँ और ये चार मालाबार मिर्च डाल देती हूँ। अच्छा, प्याज लाल मिर्च और लहसुन डाल के मैं भून देती हूँ। खाना मैं इसमें काजू भी डाल दी हूँ, इससे इसका थिकनेस बढ़ जाएगा, पानी नहीं छोड़ेगा। और ये देखिए भून चुका है अच्छे से। अब मैं इसे ठंडा करके पीस देती हूँ। फिर नमक डाल के मैं चला देती हूँ। चटनी इज रेडी। अब मैं इसका तड़का तैयार कर रही हूँ। राई, कड़ी पत्ता और लाल मिर्च अखा डाली हूँ मैं। हे गाइस, तो ये देखिए हमारा चटनी, रेड वाली चटनी केरला स्टाइल बन के डोसा वाली चटनी रेडी है। और ये कोकोनट चटनी कल मैं बनाई थी, इसे भी सर्व करी और एक मैं प्लेन डोसा भी बना ली। थोड़ा सा मेरे पास बैटर बचा होता था। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल चंदा दी रसोई 24। दुआओं में याद करिएगा और कमेंट्स जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।